हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो ले आई हूँ। आज हम करेंगे प्राइज लीडरशिप बाय डोमिनेंट फर्म। जो डोमिनेंट फर्म होती है वो फर्म होती है जिसमें जो मार्केट शेयर है वो ज़्यादा होता है दूसरी फर्मों से। जो डोमिनेंट फर्म है वो कौन सी फर्म होती है, वो फर्म जिसका मार्केट शेयर दूसरे फर्म से ज़्यादा हो वो होती है डोमिनेंट फर्म। और जो डोमिनेंट फर्म है वो डिसाइड करती है प्राइज किसके लिए, अदर फर्म के लिए। जो दूसरी फर्म है उनके लिए भी जो प्राइज है वो कौन डिसाइड करती है, वो डिसाइड करती है डोमिनेंट फर्म। जिस प्राइज जब डोमिनेंट फर्म प्राइज को डिसाइड कर देती है तो जो दूसरे फर्म वाले हैं वो मेंबर भी उसी प्राइज को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं, जो प्राइज डोमिनेंट फर्म ने डिसाइड किया है उसी प्राइज को दूसरे फर्म वाले फॉलो करते हैं। जो मार्केट शेयर के बेसिस पे जो डोमिनेंट फर्म प्राइस शेयर करती है दूसरी फर्मों के लिए, उससे क्या होता है कि जो मार्केट शेयर के बेसिस पे जो पूरी मार्केट है वो लीड करती है। जब मार्केट शेयर ज़्यादा होगा दूसरी फर्म से डोमिनेंट फर्म का, उसी की बेसिस पे जो पूरी मार्केट है वो लीड करती है। और जो डोमिनेंट फर्म होती है वो प्राइस को डिसाइड करती है। प्राइस को किस पॉइंट पर डिसाइड करती है, प्राइस उस पॉइंट पर डिसाइड करती है जहाँ पे जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो उसके, क्या उसके मैक्सिमाइज, जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो वो पॉइंट डोमिनेंट फर्म का जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। और जो दूसरे फर्म है उसी प्राइस को फॉलो करते हैं। जो प्राइस डोमिनेंट फर्म ने डिसाइड कर दिया दूसरे फर्म उसी प्राइस को फॉलो करते हैं ताकि वो मार्केट में रह सकें, ताकि वो मार्केट में स्टे कर सकें। अब मान लो डोमिनेंट फर्म ने कोई प्राइस डिसाइड कर दिया और दूसरे फर्म ने भी उसी प्राइस को फॉलो कर लिया, तो जब वो उसी प्राइस को फॉलो करेंगे तभी तो वो मार्केट में स्टे रह पाएंगे, तभी तो वो मार्केट में ठहर पाएंगे। मान लो डोमिनेंट फर्म ने प्राइस डिसाइड कर दिया दूसरा, मान लो डोमिनेंट फर्म ने प्राइस कर दिया 100 डिसाइड, और जो दूसरे फर्म है या तो उसको कम डिसाइड कर दे या ज़्यादा डिसाइड कर दे। मान लो उसने ज़्यादा डिसाइड कर दिया और डोमिनेंट दूसरी फर्म ने, तो उसके पास कौन जाएगा, जो डोमिनेंट फर्म ने 100 डिसाइड किया तो सब लेने 100 वाले के पास जाएंगे, फालतू जिसका प्राइस ज़्यादा रखा उसके पास तो कोई जाएगा नहीं। तो इसीलिए मार्केट में अगर उनको रहना है तो उसी प्राइस को फॉलो करना पड़ता है। अब देखो डायग्राम से देखते हैं, ये देखो ये है ओ एक्स एक्सिस, ये है ओ वाई एक्सिस। जो ओ एक्स एक्सिस है इस पे लिया हमने आउटपुट और जो ओ वाई एक्सिस है इस पे लिया हमने प्राइस। अब देखो जो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गई ये क्या है, ये है टोटल डिमांड कर्व। डी क्या है, टोटल डिमांड कर्व किसकी, कस्टमर की। जो कस्टमर डिमांड कर रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए, जो ये क्या है कस्टमर की टोटल डिमांड है कि उसको ये सारी चीज़ें चाहिए। जब टोटल मार्केट डिमांड में जितनी भी सप्लाई स्मॉल फर्म है जो वो जब कितनी सप्लाई है जो वो स्मॉल फर्म कंप्लीट कर दे, टोटल मार्केट डिमांड की जितनी डिमांड मतलब सप्लाई को, अगर सप्लाई को स्मॉल फर्म वाले फुलफिल कर दे, ठीक है। मान लो ये था ओपी प्राइस, ये वाली लाइन गई, ये इधर वाली देखो, ये है डिमांड कर, ये है सप्लाई किसकी, स्मॉल फर्म की। किसकी एसएम क्या है, सप्लाई स्मॉल फर्म की। मान लो हमने प्राइस डिसाइड कर दिया ओपी, ठीक है, ओपी क्या हो गया प्राइस होगी। और जो डिमांड है वो फुलफिल कर रहे हैं स्मॉल फर्म, स्मॉल फर्म मतलब अदर फर्म, किस प्राइस पे, ओपी प्राइस पे। ये ओपी प्राइस था, ये स्मॉल फर्म थी, ये डिमांड थी। जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट है ये वाला, ठीक है, ये वाला। जब हमारी सप्लाई यहाँ तक थी इतनी और प्राइस था हमारा ये यानी ओपी, इस टाइम पे जो डोमिनेंट फर्म है उसकी सप्लाई कितनी है, जीरो। डोमिनेंट फर्म की सप्लाई कितनी है, जीरो, क्योंकि जो सारी डिमांड है, मान लो डिमांड थी इतनी ही डिमांड थी, तो इस डिमांड को किसने फुलफिल कर दिया, स्मॉल फर्म ने फुलफिल कर दिया। इस डिमांड को किसने फुलफिल किया, स्मॉल फर्म ने। अब मान लो प्राइस हो गया हमारा P4, ठीक है, प्राइस कितना हो गया OP4। जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे
ये वाली लाइन है जो, ये सारा इस साइड का एरिया, ये सारा स्मॉल फर्म फुलफिल कर रही है। इस टाइम पे जो डोमिनेंट फर्म है उसकी सप्लाई कितनी है, जीरो, जब हमारा ओपी प्राइस था। जैसे ही हमारा प्राइस हुआ ओपी फोर, ठीक है, प्राइस कितना हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब ये थी डिमांड, ये थी सप्लाई, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे स्मॉल फर्म तो कुछ फुलफिल ही नहीं कर रही, ये सारा, ये तो इसी पॉइंट पे बिल्कुल ही लो पॉइंट पे। तो इस टाइम पे जो स्मॉल फर्म है वो मार्केट में स्टे ही नहीं कर रही, सारी की सारी डिमांड कौन फुलफिल कर रहा है, सारी की सारी डिमांड है जो वो डोमिनेंट फर्म है जो वो फॉलो कर रही है, क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है। मान लो पहले ओपी फोर हो गया, जब हमने प्राइस किया ओपी थ्री, ठीक है, प्राइस कितना हो गया ओपी थ्री, जब हमारा ओपी थ्री प्राइस हुआ, अब देखो जो हमारी सब ये स्मॉल फर्म है ये कितनी डिमांड को फुलफिल कर रही है, ये कर रही है पी थ्री से लेके क्यू तक की, और जो क्यू से एस तक की है ये डिमांड कौन फुलफिल कर रहा है, ये फुलफिल कर रहा है डोमिनेंट फर्म, ठीक है, कौन फुलफिल कर रहा है, डोमिनेंट फर्म। जब हमारा प्राइस मान लो यहाँ से बढ़ गया ओपी टू, जब ओपी टू हुआ तो हमारी जो स्मॉल फर्म है वो फुलफिल कर रही है पी टू से टी तक का पॉइंट, और जो टी से यू तक का है ये कौन फुलफिल कर रही है, ये कर रही है डोमिनेंट फर्म, कौन कर रही है, डोमिनेंट फर्म। आया ये समझ में? अब देखो हमने ये सारी लाइन आगे आगे तक बढ़ा दी, ठीक है, जैसे ही हम इनको आगे आगे तक लेके गए तो हमारे पॉइंट निकल के आए ये, क्योंकि इतनी फर्म मान लो ये इतना था जो ये हमारा डोमिनेंट फर्म फॉलो कर रही थी, मतलब फुलफिल कर रही थी डोमिनेंट फर्म हमारा, ठीक है। जब हम इसको आगे तक लेके गए ये पॉइंट आ गया यहाँ तक, जब हमारी इतनी डिमांड स्मॉल फर्म ने फुलफिल कर दी इतनी डोमिनेंट फर्म में, जब हम इसको आगे तक लेके गए ये आ गया यहाँ तक, ऐसे हमारा ये नया डिमांड कर्व है जो वो मिल गया हमने, जब हमने ये हमारे पॉइंट निकल के आए, जब हमने को सबको ज्वाइन कर दिया तो हमारा नया डिमांड कर्व है जो वो निकल के आ गया, ये क्या था, डोमिनेंट फर्म का डिमांड कर्व, ये कैसे आ गया, डोमिनेंट फर्म का डिमांड कर्व। अब देखो हम डोमिनेंट फर्म का अलग से डिमांड कर्व बनाते हैं और स्मॉल फर्म का अलग से, उसको भी देखते हैं। पहले एक बार ये देखो कि देखो जो ये मान लो ये क्यू एस दिया ना हमारा, जितना डिमांड ये है उतनी डिमांड कितनी है, ये क्यू वन एस वन, जितनी डिमांड ये है उतनी ही ये है, जितनी ये है उतनी ही ये है, ये डिमांड करो हमारे इसलिए ऐसे बने। देखो ये इतना था तो ये कम गया, ये ज़्यादा था तो ये ज़्यादा गया, ये सबसे ज़्यादा था इसलिए ये सबसे ज़्यादा गया, और लास्ट में हमने इन सारे पॉइंटों को ज्वाइन कर दिया। आया समझे कैसे डिमांड करो बना? अब अलग अलग इनके डायग्राम देखते हैं। अब देखो ये है ओ वाई एक्सिस, ये है ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई पे हमने आउटपुट ले लिया और एक्स ओ एक्स ओ वाई ओ एक्स पे हमने आउटपुट ले लिया और ओ वाई पे सेम हमने वही प्राइज ए आर एम आर ए सी एम सी सारे ले लिए, ठीक है। ये हमने ड्राइव किया डिमांड करो, जिसको ए आर भी बोलते हैं, ये ड्राइव किया हमने एम आर, ठीक है, ए आर एम आर हमने डिराइव कर लिए। अब देखो ये हमने क्या बना लिया, एम सी, ठीक है, पहले हमने एम सी ड्रा की, एम सी ड्रा कर ली हमने, जब हमने एम सी ड्रा की तो क्या हुआ, जो हमारा एम सी है वो एम आर को कट करता हुआ जा रहा है, एम सी कट एम आर, तो हमें ई पॉइंट मिल गया, क्या मिल गया हमें, ई पॉइंट। ई पॉइंट पे क्या है, ई पॉइंट वो है जो डोमिनेंट फर्म ने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए डिराइव किया है, क्या है, वो पॉइंट जहाँ पे प्रॉफिट है जो वो मैक्सिमाइज होगा। इस पॉइंट पे क्या है, ई पॉइंट पे एम सी इक्वल टू एम आर है। जब हमारा प्राइस था ओ पी, ठीक है, तो सप्लाई कितनी थी, ओ क्यू, मार्केट में जब प्राइस ओ पी था तो सप्लाई कितनी थी हमारी, ओ क्यू, जो हमें प्रॉफिट हुआ, जब हमने अपना ये कर्व था इस पर हमने ए सी भी ड्रॉ कर दी, जब हमने ए सी ड्रॉ की तो हमें क्या मिला, टी पॉइंट मिल गया। जब हमने यहाँ पे ए सी कर्व ड्रॉ की तो हमें टी पॉइंट मिला। जब हम पी सी टी आर, पी सी टी आर, ये जो ये पार्ट है ये क्या बन गया, ये बन गया प्रॉफिट, क्या बन गया, ये डोमिनेंट फॉर्म का प्रॉफिट आ गया। ये आया ये डोमिनेंट फॉर्म का डायग्राम। अब देखते हैं स्मॉल फॉर्म का। अब देखो ये है ओ एक्स एक्सिस, ये है ओ वाई एक्सिस, ओ वाई पे प्राइस है, ओ एक्स पे आउटपुट है, सेम वैसे ही जैसे हमने
दोनों जब एक साथ डायग्राम बनाए थे उसमें था। अब देखो ये है सप्लाई, सॉरी ये क्या है सप्लाई किसकी, स्मॉल फॉर्म की, ये क्या है डिमांड, ठीक है। अब देखो जो ओपी प्राइस, ओपी है ये प्राइस डिसाइड कर रहा किसने, डोमिनेंट फॉर्म ने, किसने डोमिनेंट फॉर्म पे, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे जब हमारा ओपी प्राइस डिसाइड करा गया था डोमिनेंट फॉर्म ने, उसमें क्या था मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा था हमें, और जो सप्लाई थी वो कितनी है पीआर, ये कितनी है सप्लाई पीआर, ठीक है। जो सप्लाई पीआर थी स्मॉल फर्म ने पूरी कर दी, ये इतना पार्ट कौन फिल कर रहा है स्मॉल फर्म, और जो ये आर से आर वन तक है ये कौन फिल कर रहा है, ये कर रहा है डोमिनेंट फर्म, कौन फिल कर रहा है डोमिनेंट फर्म। पहले हम ये प्राइस लाइन बनाएंगे, ये सप्लाई, ये सप्लाई ये डिमांड, और फिर इन दोनों पॉइंटों को, लाइनों को नीचे लेके आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है जो ओपी प्राइस है, ठीक है, ये डोमिनेंट फॉर्म ने डिसाइड करा था। अब देखो ये समझ में आया, ये जो इतना पार्ट है ये कौन फुलफिल कर रहा है स्मॉल फॉर्म, और ये वाला कौन फुलफिल कर रहा है डोमिनेंट फॉर्म। अब देखो जो ये आर आर वन है और ये ओ क्यू है, जो हमारा किसका था डोमिनेंट फॉर्म वाला, ये ओ क्यू और ये आर आर वन, ये क्या है दोनों इक्वल है यानी बराबर है। जो आर आर वन है ये कौन फुलफिल कर रहा है डोमिनेंट फॉर्म। अब देखो ये हमने अलग अलग डायग्राम बना के दिखाए, ये वाला और ये वाला, और इसमें हमने साथ में बनाया था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।